वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगी। दोस्तों, प्रेगनेंसी में आपका डिलीवरी का समय आ गया है और आपकी डिलीवरी कुछ ही समय बाद होने वाली है, तो ये चार काम आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आपके बच्चे के लिए और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे आप जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं और आपको डिलीवरी के बाद ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आती है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही आपका प्रेगनेंसी का आठवां महीना कंप्लीट हो जाता है, आपकी उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपकी डिलीवरी कब होने वाली है और कितनी समय बची हुई है। तो आपको डिलीवरी से पहले ये चार काम ज़रूर करना है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है। सबसे पहला काम है, आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। अगर आप प्रेगनेंसी में तनाव लेते हैं, जिससे कि आपका ये जो तनाव का हार्मोन होता है आपके शरीर पर रिलीज होने के कारण आपके शरीर में लेबर पेन नहीं आ पाता है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, आपका समय से लेबर पेन नहीं आता है। तो दोस्तों, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है। आपको प्रेगनेंसी में आपकी डिलीवरी कुछ ही समय बची है, तो आपको ऐसे में बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। आपको अच्छी चीज़ें ही सोचना है और अच्छी चीज़ें ही देखना है। दूसरा है, आपको जितना ज़्यादा हो सके गर्म तासीन वाले चीज़ों का सेवन करना है, और जब भी आप खाना खाते हैं आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही करके खाना है, क्योंकि इस समय आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खाना खाते हैं आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो कि आपके बच्चे के लिए और आपकी डिलीवरी के लिए दोनों के लिए ही हार्मफुल होती है। इसलिए आपको इस समय जब भी आप खाना खाते हैं आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके खाना है, और जब भी आप खाना खाते हैं उसके 10 से 15 मिनट बाद आपको टहलना ज़रूर है। जब आप खाना खाकर टहलते हैं तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, जो कि आपके बच्चे के विकास के लिए और आपके बच्चे के हेड डाउन के लिए भी मदद करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस धरती पर आने की कोशिश करती है, उसी प्रकार जब भी आप प्रेगनेंसी में वॉक करते हैं आपका बच्चा भी हेड डाउन करने में हेल्प करता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको 30 से 40 मिनट का वॉक ज़रूर करना चाहिए, जो कि आपके बच्चे के हेड डाउन के लिए और आपका लेबर पेन समय से लाने के लिए भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, आपको इस समय अपने शरीर में खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है, क्योंकि आप जितना बारी भी चेकअप कराते हैं आपका खून का लेवल अलग अलग आता होगा, इसलिए आपको इस बात में ध्यान देना है। आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिसमें आपको ज़्यादा मात्रा में खून मिल सके, जो कि आपके बच्चे के लिए और आपकी डिलीवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि डिलीवरी के समय काफ़ी सारा खून आपका बह जाता है, इसलिए आपके शरीर में खून की मात्रा अत्यधिक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आपको लाल लाल चीज़ों का सेवन करना है, जैसे लाल भाजी, पालक भाजी, या तो आप जो भी सब्जी है जो आपको पसंद है जिसमें आपको ज़्यादा विटामिन्स, पोटेशियम, कैल्शियम मिलती है, ऐसी चीज़ों का आपको सेवन ज़रूर करना है। और नेक्स्ट है, इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके गर्भ में पानी की कमी नहीं होता है और आपका बच्चा भी इम्यूनिटी फ्लूड में रहता है, जो कि आपके गर्भाशय के लिए भी अच्छा होता है। जितना ज़्यादा आप पानी पीते हैं उतना ही ज़्यादा अपने शरीर में आप ब्लड बना पाते हैं और आपके शरीर में पानी की कमी भी बिल्कुल भी नहीं होती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में ये चार चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आपकी डिलीवरी भी आसानी से हो पाती है और आपकी डिलीवरी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए,
अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको इसी तरीक़े से हेल्पफुल वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आप स्वस्थ रहिए।